हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैंड सैनिटाइजर, वो भी घर पे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। सिंपल सी बात है, सैनिटाइजर खरीदते हैं उसमें अल्कोहल होता है 60%, तो अल्कोहल की वजह से हमारे हाथों पे लगे जम्स और कीटाणु जो है खत्म हो जाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा महंगे मिल रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है फ्रेंड्स, आइसोप्रोफाइल अल्कोहल मिलेगा अगर 99% है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप आफ्टर शेव लोशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी अल्कोहल आता है। स्पिरिट्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मैंने वीडियो डाला है तो आप वो भी देख सकते हैं। स्पिरिट जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसान से मिल जाएगा आपको, या आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिलना मुश्किल होता है, तो आपको जो है स्पिरिट मिल जाएगा, आफ्टर शेव लोशन मिल जाएगा, या तो वोडका का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी फ्रेंड्स जो है अल्कोहल होता है, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 60% अल्कोहल हमारे हाथों पे लगे जम्स और कीटाणु को खत्म करने के लिए चाहिए। एक ले लेंगे बाउल, और बाउल के अंदर जो है हम ये अल्कोहल डाल देंगे। ये मैंने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है आधा कप लिया है, तो आधा कप मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल लूंगी। अगर आपको एलोवेरा जेल न मिले तो अगर आपके घर में प्लांट लगा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एलोवेरा के पीसेस को कट करके उसके अंदर से आप थोड़ा सा जेल निकाल के मिक्सर में ब्लेंड करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम डाल देंगे इसके अंदर मिक्स। अल्कोहल जो है फ्रेंड्स हमारे हाथों में इस्तेमाल करने से हमारे हाथों की स्किन ड्राई हो जाती है और थोड़ी सी रफ हो जाती है, तो इसके लिए हम इसके अंदर जो है ये एलोवेरा का जेल डालेंगे। इससे हमारे हाथों से मॉइस्चर मिल जाएगा। एक टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल डालेंगे। आप ऑलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक टेबलस्पून हम इसमें ये डालेंगे ऑयल। इससे फ्रेंड्स ये काफी लंबे समय तक अच्छा रहेगा, और ऑलिव ऑयल जो है स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई के एक दो कैप्सूल्स भी डाल सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल को जो है आप कट करके उसके अंदर का ऑयल आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर डाला है तो अल्कोहल की जो है बदबू बहुत ही खराब लगती है, तो हम जैसे ही हाथों में लेंगे तो सबसे पहले जो है अल्कोहल की बदबू आएगी, उसके बाद में अल्कोहल है तो उड़ जाता है, तो उसकी बदबू जो है खत्म हो जाती है। और थोड़ी सी अच्छी खुशबू के लिए आप कोई भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी हम 10 से 15 बूंदे जो है इसके अंदर डाल देंगे, कर देंगे अच्छे से मिक्स। मेड हैंड सैनिटाइजर जो है बन के रेडी हो चुका है। ये वाली बॉटल जो है फ्रेंड्स मार्केट में बहुत ही आसान से मिल जाती है, और अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, कि बॉटल भी मिलती है। आप इस टाइप की बड़ी स्प्रे बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसके ऊपर आप इस तरह से लेबल लगा सकते हैं होममेड हैंड सैनिटाइजर करके। तो अब हम और इस कप के अंदर ले लेंगे ताकि हमको बॉटल में भरने में आसानी हो, के अंदर पोर कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा घर पे, इस टाइप से बनाइए। और मेरा वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये हमारी होम मेड हैंड सैनिटाइजर की बोतलें जो हैं रेडी हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप जो हैं इस टाइप की छोटी जो बोतल हम घर में लाए हैं पहले से, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब जैसे भी खाली होती है फ्रेंड्स, जो स्पिरिट से मैंने हैंड सैनिटाइजर बनाया था उसको मैंने इसके अंदर भरा है, तो ये छोटी छोटी बॉटल्स जो है हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं, ताकि बच्चे स्कूल या फिर कहीं बाहर पार्क वगैरह में घूमने जाए तो ये बच्चे जो है लेके जा सकते हैं, साथ में छोटी सी पॉकेट में रह लेती है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब अपने घर पे हैंड सैनिटाइजर बना सके बहुत ही कम दामों में, और अपने बच्चों परिवार सबको जो है इन भयानक बीमारियों से कीटाणुओं से बचा सके। ये अल्कोहल है तो इसे जो है आप आग से दूर रखिए, इसे आप सिर्फ हाथ ही साफ कीजिए, आंखों पे या मुंह पे मत लगाइए, और छोटे बच्चों से आप इसे दूर ही रखिए। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करेंगे, थोड़ी सी मात्रा में हमें इसको लेना है, और इसे हम इस तरह से अच्छे से हाथों पर से जम्स और कीटाणु जो हैं 20 सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे। इसे सिर्फ 20 सेकंड के लिए अपने हाथों में इस तरह से मचल देना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले अल्कोहल की बदबू आएगी, फिर वो अल्कोहल उड़ने के बाद में जो है फ्रेंड्स जिस एसेंशियल ऑयल का हमने इस्तेमाल किया है, जिस खुशबू वाले तेल का इस्तेमाल किया है, उसी की खुशबू आएगी। ये ऑप्शनल है, इसे फ्रेंड्स सिंपल से भी बना सकते हैं। जितना आपने अल्कोहल लिया है उसमें आपको जो है 60% के हिसाब से मतलब पानी मिला लेना है। आप स्पिरिट ले रहे हैं तो स्पिरिट में आप जितना स्पिरिट लिया है उतने ही आप पानी ऐड करके भी नॉर्मल
हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। सिर्फ दो चीजों में हमारा हैंड सैनिटाइजर बनके रेडी हो जाता है। मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।